Now watch all the episodes only on Lehre app. आज हम आपको एक ऐसी लव स्टोरी का किस्सा बताने जा रहे हैं जिसको लेकर आज भी अगर चर्चा हो जाए तो भारी मजमा लग जाता है। यह कहानी है अमिताभ, जया और रेखा की। वो दौर था 1977 का, जब रेखा मांग में सिंदूर भरकर और मां बनने की खबरें मीडिया में देकर अमिताभ से रिश्ता जाहिर करने में लगी थी। दूसरी तरफ जया शांति से अपने परिवार को बिखरने से बचाने का प्रयास कर रही थी। एक दिन जब अमिताभ किसी शूटिंग के सिलसिले में मुंबई से बाहर थे, उस दिन जया ने रेखा को फोन किया। जया का फोन उठाते हुए रेखा सोच रही थी कि जया बच्चन उन्हें भला बुरा सुनाएंगी, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। जया ने फोन करके रेखा को अपने घर डिनर पर बुलाया। रेखा सोच रही थी कि जया अपने घर बुलाकर उन्हें बेइज्जत करेंगी और रोना पीटना मचेगा। रात के वक्त रेखा सज धज कर जया के घर पहुंची। रेखा के मुकाबले जया बिल्कुल सादे कपड़ों में थी। उन्होंने रेखा का स्वागत किया और ढेर सारी बातचीत की, लेकिन इस बातचीत में अमिताभ का जिक्र बिल्कुल नहीं था। जया ने रेखा को अपने घर का इंटीरियर दिखाया, गार्डन दिखाया और काफी सत्कार किया। डिनर के बाद जब रेखा घर लौटने लगी तो उन्हें विदा करते हुए जया ने एक खास बात कही, जिसे सुनकर रेखा के पैरों तले जमीन खिसक गई। जया ने दरवाजे पर रेखा से कहा, चाहे कुछ भी हो जाए मैं अमित को नहीं छोड़ूंगी। अगले दिन मीडिया में जया के डिनर और रेखा पर खूब किस्से चले, लेकिन न तो जया ने कुछ कहा और न ही रेखा ने मुंह खोला। इस डिनर के बाद एकाएक अमिताभ की जिंदगी काफी बदल गई।